उठ के फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि मैं बैल्कनी में आई थी। थोड़ी हल्की हल्की गर्मी रखी है यहाँ पे, तो गाइस सभी भैया घर पे, सभी घर पे, तो मैं गाइस चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बना के चाय पी के अपन मिलते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली हमारा चाय पीना हो गया। आज भैया घर पे रहेंगे, आज हम खाने में गाइस वो बनाएंगे खिचड़ी। सैटरडे है ना, तो सैटरडे को लोग कहते हैं खिचड़ी खाना अच्छा होता है। तो गाइस आज खिचड़ी के साथ बहुत सारे आइटम बनेंगे। दो टाइप का आलू का भरता बनेगा, और आलू फ्राई बनेगा, और बैंगन भजिया बनेगी, और भी बहुत कुछ, पापड़ वगैरह। तो गाइस आज खाने में, दोपहर के खाने में मज़ा ही आ जाएगा, साथ में दही। तो गाइस अभी अभी शायद शाम को हम बाहर जाएंगे, तो आपको पहले खाना बना लेते, खाना बना के मिलते। हेलो गाइस, तो फाइनली खाने की आधी तैयारी हो चुकी है, दीदी ने मैंने दोनों मिलके कर लिए है। खिचड़ी गैस पे रख दिया है, अभी बन जाएगी, और बाकी की सारी तैयारियां कर ली है, और मटेरियल वगैरह सब कुछ रेडी है, बस तड़का लगाना है। तो गाइस मैं आपको साथ ही एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, लीजा की हरकत, लीजा जो कर रही है, अपने पास नहीं आने दे रही किसी को। गाइस वन सेकेंड वेट में दिखाती हूँ आपको। सी गाइस, ये है लीजा, जा अपनी हड्डी खा रही है। गेट बंद कर दिया है, एक चल दो। लीजा देखो गाइस, ये खा रही है, अपने पास नहीं आने दे रही किसी को। 12 बजे वाले पानी के फाड़े कर दो जिन्ना जाना। लीजो, सब कुछ हो गया, अभी खाना बन रहा है। अभी आज भैया घर पर रहेंगे तो ये भी शांत रहेगी, कोई डिस्टर्बिंग कुछ भी नहीं। खाना टोटल बन चुका है। खाने में हमने जो बनाया है खिचड़ी, दो टाइप का आलू भरता, और बैंगन भजिया, और पापड़ वगैरह, और पटल का भुजिया। तो खाना आज का गाइस बहुत ही ज़्यादा मस्त बना है, स्वादिष्ट बना है। तो आज के दोपहर के खाना खा के मज़ा आ जाएगा। गाइस अभी हमारा सब कुछ बन गया, लेकिन एक चीज़ और बाकी है गाइस, जो मैं अपने टाइप से बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ जो मैं बना रही हूँ अपने तरीके से। तो वो है ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ, आलू का क्रंची भुजिया है, ठीक है। तो मैं इसमें भी हल्दी, नमक, और कॉर्नफ्लावर, और चावल का आटा वगैरह सब मिक्स करके मैरिनेट करके रखूँगी, और ऑयल में गाइस मैं इसको क्रंची क्रंची तलूँगी, तो फिर देखना खिचड़ी के साथ मस्त लगेगा खाने में। तो गाइस आज का खाना बहुत ही ज़्यादा मस्त है, हम खाने के बाद मिलते हैं, बाय। हाय गाइस, तो फाइनली हमारा खाना कम्प्लीट हुआ, खाना बहुत टेस्टी था, भैया भी खा कर रेस्ट कर रहे हैं, और गाइस अभी लीजा का भी खाना हो गया, लीजा का मेडिसिन वगैरह भी भैया ने दे दिया, क्योंकि वो भैया से डरती है और भैया से बड़े आराम से प्यार से ले गई है। अभी वो लड़की खावा के सो रही है, अभी मैं इसको लेके जाऊंगी। अब जब तक मैं किचन में थी तब तक ये मेरे पास ही सोई थी, किचन भी समेटना हो गया, सब कुछ हो गया गाइस, तो हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि लड़की अभी कैसे आलसी बन के सोई है। सी गाइस, लीजा सी, लीजो आओ। गाइस अभी हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ बाद में। हे गाइस, तो हम सो के उठ गए, शाम को 5:30 बज चुका है, और गाइस अभी हम जा रहे चाय पीने, और गाइस चाय तो पिए ही पर तो दूध ख़त्म हो गया है गाइस, तो हम ना लेमन टी पीने जा रहे हैं, और लेमन टी मैं बना रही हूँ, और लेमन टी ना बहुत सेहत के लिए वैसे भी अच्छा होता है, तो आप ना लेमन टी पिया करो, बहुत अच्छा होता है, और बनाना भी बहुत आसान है, और फटाफट बन जाता है गाइस। पानी डालो, पानी को बॉईल कर लो, और फिर इतना सा पत्ती डालने का, और फिर इतना सा चीनी डालने का, और फिर दोनों को बॉईल कर लेने का, और जब डालो ना कप में, तब कप में डालने से पहले उस कप में थोड़ा सा नमक, वो ब्लैक वाला, और नींबू, और वो गोल मिर्च का पाउडर, उनको दोनों को मिक्स कर दो, और ऊपर से चाय को सेक करके डालो, बहुत टेस्टी लगती है, कभी ट्राई करना। चाय पीने के बाद मिलते हैं गाइस। तो उस टाइम हमारा चाय पीना हो गया था, हमने खाना आज कुछ बनाया नहीं है गाइस, तो खाने में हमने बाहर से तड़का रोटी मंगवाया था, जो कि हमने खा लिया फटाफट, गर्म गर्म भैया को जाना था, तो इसीलिए हमने फटाफट कर लिया। और घर में सिर्फ बनाया तो लीजा का खाना, लीजा ने खाना खा लिया है, और लीजा अभी खाना खा के इधर उधर घूम रही है, पूरा घर में तबाही मचा रही है, कर क्या रही है। देखो गाइस, ये इसका खाना जो कि इन्हें आधा वेस्ट किया है, और ये देखो अभी इधर उधर घूम रही है, फिर से जा रही है खाने की तरफ, और अभी ये ड्रामा करके खा रही है इस खाने को। तो गाइस ये तो अपने मगन में है, और मैं आपको दिखाती हूँ घर में सब क्या कर रहे हैं। देखो
यार श्रीर है जो टैब चला रहा है, और ये दीदी है जो मोबाइल चला रही है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, और गाइस मैं अपने काम में बिजी हूँ, तो क्योंकि गाइस आज तो हमारा सब काम फटाफट हो गया ना, तो फटाफट होने का रीज़न यही है गाइस कि आज तो भैया आए थे, सोचे थे रहेंगे तो हम थोड़ा रात को मस्ती करेंगे, खाना वाना खाएंगे, गेम्स वगैरह खेलेंगे, कोई मूवीज़ देखेंगे, बट वैसा होगा नहीं क्योंकि भैया तो चले गए, तो बोरिंग भैया को अर्जेंट कोई काम आ गया ना होटल का, तो वो चले गए, तो उनके चक्कर में हमारा भी सब कुछ हो गया। फटाफट खाना पीना खावा के अभी जस्ट फ्री है, तो गाइस लीजा भी कर क्या रही है, आप देखो देखो गाइस लीजा क्या कर रही है, लीजा का क्या चल रहा है, इसको ना कुछ गाइस बर्बाद करने के लिए खेलने के लिए चाहिए। देखो अभी ये हमारा टूथ ब्रश खराब कर रही है, इसका पूरा दिन बस एक ही काम है। हे गाइस तो रात को बज चुका है, पौने एक हो चुका है, एक बजने वाला है, और गाइस आज तो सब कुछ फटाफट हो गया था, तो मैं आराम से अपने सारे मतलब जो मेरा पेंडिंग बॉक्स पड़ा था पढ़ाई का, वो सब कुछ कर लिया मैंने, सब हो गया मेरा, और मैं भी जा रही हूँ गाइस सोने। और मेरे घर के सारे जन सो चुके हैं, सारे सारे मेंबर सो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। गाइस ये दादी का रूम है, देख सकते हो दादी सोई है, और भी दिखाती हूँ, दीदी भी सो गई है, और स्वीट भी सो गया है, मेरे रूम में दे रहा है। गाइस कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रूम में अंधेरा है। गाइस तो फाइनली मैं अब जा रही हूँ सोने, अपनी सारी किताबें समेट ली। और गाइस अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।